ड्राइवर सिग्नेचर मोड को इनेबल या फिर डिसेबल कैसे करोगे, या फिर जो टेस्ट मोड होता है उसको इनेबल या डिसेबल कैसे करोगे, वो आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारा मेथड है इसको करने का। जैसे लॉन्ग मेथड आता है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ जो सेटिंग है सेटिंग पे जाके, उसके बाद यहाँ जो है अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप देख सकते हो रिकवरी, रिकवरी में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो आप देखते हैं एडवांस स्टार्टअप, यहाँ पे आप रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपको बूट मेन्यू में जाके वहाँ पे आपको एडवांस स्टार्टअप में आपको कुछ सेटिंग करना पड़ता है। वहाँ से आप ये F7 या फिर 7 आपका जो होता है वो प्रेस करके उसको इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। तो मैं आपको इजी मेथड है दिखाऊंगा, तो उसको आप ट्राई करके देखना, वो आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ और वो मैं आपको प्रूफ के साथ भी यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पे क्लिक कर देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहां जो आप देख रहे हैं सर्च बटन, ये सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको टाइप करना CMD। उसके बाद इस पे आपको राइट क्लिक करके या फिर यहां जो आप देख रहे हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे आपको क्लिक करना है, जिसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको कर लेना है। उसको यस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट इनेबल हो चुका है। यहाँ पे आपको टाइप करना, आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ जो आप देख सकते हो मैंने टाइप किया है BCD edit EDIT, उसके बाद स्पेस दिया हूँ, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दिया हूँ, उसके बाद फिर सेट लिखा हूँ, फिर स्पेस दिया हूँ, फिर टेस्ट साइन इन, उसके बाद स्पेस, फिर ऑन। जैसे आप देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी ये दे दूंगा, आप वहां से सीधा कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें जो ये ऑन लिखा हुआ है इस पे ये लिख के उसको सिंपल से आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ आ चुका है द ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुल। अब आपको आपका पीसी या लैपटॉप को आपको रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट आप जैसे करोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ जो राइट साइड नीचे कॉर्नर पे है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टेस्ट मोड, ठीक है। चलिए मैं रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। रिस्टार्ट करने में मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है वो ऑफ हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ऑन हो जाएगा तब फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरा लैपटॉप जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ जो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ आ चुका है टेस्ट मोड, तो जैसे वो इनेबल हो चुका है ऐसे आ चुका है, ठीक है। अब इसको आप डिसेबल कैसे करोगे, डिसेबल करने के लिए सेम प्रोसेस आपको करना है। आपको CMD ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके यहाँ पे CMD आपको लिखना है। CMD लिखने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको कर लेना है, उसको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपका जो CMD है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सेम चीज जो आप देखे थे वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपको जब आप इनेबल कर रहे थे तो यहाँ पे ऑन लिखा हुआ था, अब यहाँ पे मैं ऑफ लिख दिया हूँ। सेम आपको वही लिखना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है BCD edit EDIT edit, उसके बाद स्पेस फॉरवर्ड स्लैश सेट, उसके बाद फिर से स्पेस टेस्ट साइन इन जो देख सकते हैं, उसके बाद फिर से स्पेस, उसके बाद ऑफ। जैसे आप देख सकते हो बस सिंपल से आपको ऐसे ही टाइप करना है, उसको सिंपल से आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ जो आप देख सकते हो कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, ये लिखा हो जाने के बाद सिंपल सा आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको पीसी या फिर लैपटॉप जो आपका है उसको रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद ये जो टेस्ट मोड अभी आपका ऑन है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिर से रिस्टार्ट करके दिखा देता हूं। रिस्टार्ट होने के बाद जो ड्राइवर सिग्नेचर मोड था, जो टेस्ट मोड था, वो ऑफ हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ जो लोगो आ रहा था, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, वो अब हट गया है, तो ये ऑफ हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पे क्लिक कर देना ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।